अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज के लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज है फ्राइडे का दिन, आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। सो देखते हैं आज का दिन कैसे गुजरता है। आप लोग मेरे साथ लोग मेंटेन रहे, लोग कंटिन्यू है। आज के दिन हम क्या क्या एक्टिविटीज हमें मेरी सिस्टर ने बुलवाए थे, फ्रिज के जो अंदर मतलब पोर्शन होते हैं उनके कवर, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो कवर कौन से होते हैं। और हमने हैंड वॉश भी बुलाए थे, पता नहीं आए हैं कि नहीं यार, इतनी मुश्किल हो गई थी हैंड वॉश के लिए, तो हमने अपने सिटी से ही बुलवा लिए थे। सो आप लोग मिल गए, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो सारी चीज़। फ्रेंड्स, ये कवर जो पैक हैं वो ऐसे दिखते हैं, बाकी लगाए हुए कैसे लगते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, लगाने के बाद ये ऐसे लगते हैं। ये हैं फ्रिज के ऊपर लगाए हुए भाई ने, अंदर वाले दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अंदर ये कुछ इस तरह लगते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, इस जाली को नुकसान नहीं होता और ये ख़राब भी नहीं होती, सो इस तरीके से ये लगाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखें हमारे हैंड वॉश आ चुके हैं, ये एक नहीं दो थे, इतने दिन लगाए, इस वजह से हमने सिटी से बुलवा लिया। देखें ये सिस्टर की कमीज, सिस्टर बोल रही है कि इसको बनवाने के बाद तुम पहनना, क्योंकि हमने रेडीमेड सूट बुलवाए हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं दिखाऊंगी, हम वो ऑनलाइन बुलवाए थे। सिस्टर बोल रही है गर्मी होगी वो नहीं पहन सकोगी, इसलिए ये बन जाए। इसका जो टाउजर है वो इतना प्यारा बना है, माशाल्लाह, क्या बताऊँ मैं आपको। गाइस, कमीज पे जो लेस लगेगी वो ये वाली लगेगी, और जब कमीज बन जाएगी अगर मैंने पहनी तो मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह। गाइस, वो देखे भाई बहन कैसे मोबाइल देख रहे हो, अपनी मोबाइल में मगन है, ये छोटी अपनी मोबाइल में मगन है, ये माशाल्लाह इसकी छोटे भाई के साथ बहुत ज्यादा देर है। ये देखे मेरी अम्मी ने ग्वार सुखाने के लिए रख लिए, बोलती है सर्दी में काम आएगी, तो अभी ग्वार का सालन चल रहा है, ये सर्दी में पकाने के लिए काम आएगी, क्योंकि ये सालन से ज़्यादा थी इसलिए अम्मी ने सुखा ली थी। फ्रेश तो मैं अभी जा रही हूँ कपड़े निकालने के लिए, अभी मैंने जाना है फ्रेश होने के लिए, सो मैं कपड़े निकाल के आऊँ। गई, मुझे सर में दर्द इतना हो गया है शदीद, और मैं अभी बलून फुला के बैठी हूँ, ऐसे ही फ्री रूम में सो रही हूँ तो बलून फुला लिया है। गई, मैं फ्रेश होके आ गई थी, और अभी मुझे इतना सर में दर्द है शदीद, मैं आप लोगों को क्या बताओ। सो मुझे नींद भी आ रही है, रात को तकरीबन 2 बज जाते हैं सोते सोते, सो मैं सोच रही हूँ कि अभी नमाज पढ़ के फिर सो जाऊं, पता नहीं क्यों आज अचानक मुझे सर दर्द आया, खाना खाया दूध पिया फिर पता नहीं सर में दर्द पड़ गया है। सो अभी बस अजान आ जाए, अजान तो आ गई है लेकिन टाइम हो जाए, आज फ्राइडे है तो इस वजह से अजान जल्दी आई है, तो मैं पढ़ूँगी नमाज पढ़ के फिर मैं करूँगी आराम, अगर नींद आई तो। गाइस, ये चादर मैंने चादर जो अपने ऊपर इसलिए रखी हुई है क्योंकि मुझे सर में दर्द है, मेरे बाल गीले तो ऊपर से पेन चल रहा है, ऐसे ना हो कि सर ठंडा हो जाए फिर मजीद सर का दर्द बढ़ जाए, इस वजह से चादर ओढ़ी हुई है। बस अजान आ गई, नमाज पढ़ के फिर सोने का सोच रही हूँ। गाइस, ये हमारी छुट्टी के खिलौने हैं, और ये जो डॉल्स हैं ये मेरी थी, मैंने इसको दी हुई है, ये अब इनसे खेलती है माशाल्लाह से, और ये इसकी गाड़ी रही है, और ये लैपटॉप है इसका, हमने ऑनलाइन बुलवा के दिया था, ये देखिए चलता भी है। हला ये देखिए, ये बैठी हुई है, हला लैपटॉप, हाय इधर आकर। मम्मा पर दादी ने जाऊंगा तू बा। गाइस, ये देखें ये बैठी हुई है, ये खेल रही है अभी, ये इसने एबीसी चलाया हुआ है। ये देखें पीछे की, गाइस ये देखें ये कैसे डॉल को नचा रही है, ये कालू मदारी बज रहा है, ये डॉल को नचा रही है जी, वहाँ निकल गई। ओ गाइस, आज है सैटरडे का दिन, सो मैं आज फिर से कपड़े वॉश कर रही हूँ,
और आप लोग बस ब्लॉग में जुड़े रहना। आज के दिन क्या एक्टिविटीज करती हूँ, तो कल फ्राइडे वाला मैंने ब्लॉग नहीं रखा था, सो आज मैं साथ में ही ब्लॉग रखूँगी सारा। तो मेरे कप सूट इतने नहीं है, बस दो तीन है, वो मैं वाश करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। जय, ये देखें, ये उठ ही नहीं रही यहाँ से। ए हाय हाय, ये देखिए, ये बोलती है मैं कपड़े वाश करूँगी। तो मैंने अपने मास्क भी तीनों जो है ये देखिए वाश कर लिए हैं। ओ माय गॉड, सो बस अभी वो इनको वॉश किया है, तो अभी कपड़े वॉश करने के बाद मैं खुद फ्रेश होने जाऊँ। फेस तो मेरे कपड़े तकरीबन वॉश हो गए, सो मैं अभी जाऊँगी फ्रेश होने। और फ्रेश होने के बाद आप लोगों से तो यार इतनी गर्मी हो रही है ना, फ्रेश हुए बिना बंदा रह नहीं पा रहा। कुछ टाइम पहले 3 बजे का टाइम, मतलब मैं नींद से उठी थी, फिर तूफान इतना आया था इस वजह से मैं नींद से उठ गई थी। फिर अब नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद घर का काम किया, सो अभी मैं माशाल्लाह से फ्रेंड्स आज मैंने आंखों में सुरमा पहना है, जिसको काजल, काजल तो नहीं, काजल जो है वो अलग हो जाता है, सुरमा पहना है। पता है मेरी आँखी कैसी लग रही है। और यार मुझे पता नहीं क्यों आज दिल किया, इसलिए मैंने पहन लिया। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना मेरी आँखों में ये कैसा लग रहा है, माशाल्लाह। फ्रेंड्स आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। मैं आपकी सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हूँ। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।